स्वामी दयानंद अस्पताल के गेट के बाहर सफाई कर्मचारियों का विशाल धरना प्रदर्शन। सफाई कर्मचारियों ने कमिश्नर, मेयर और बीजेपी के खिलाफ किया विशाल धरना प्रदर्शन। हाय हाय के लगाए नारे। स्वामी दयानंद अस्पताल के 170 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के चलते किया गया प्रदर्शन। कड़ी धूप में नौकरी से निकाली गई महिलाओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों को हाथों में लेकर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। कुछ महिलाएं कड़ी धूप में बैठकर बेहोश भी हो गई। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल के 170 कर्मचारियों को हटाए जाने को लेकर ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बताते चले कि स्वामी दयानंद अस्पताल के 14 वर्षों से रेगुलर सफाई कर्मचारी और डिस्पेंसरी के 170 कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के विरोध में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के शिक्षा विभाग और अस्पताल में ट्रांसफर किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारियों ने निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि स्वामी दयानंद अस्पताल के मुख्य गेट पर विरोध करते हुए अस्पताल में भारी संख्या में प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए मेडिकल सुपरिंटेंडेंट रजनी खेड़वाल के कार्यालय तक पहुंच गए। गेट पर सिक्योरिटी ने उनको रोकने का प्रयास किया और बैरिकेटर लगाकर उन्हें रोक दिया, लेकिन बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए सीधे एमएस ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की और एमएस की अर्थी बनाकर प्रदर्शन किया। साथ ही पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल के खिलाफ व कमिश्नर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने नारों के साथ प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में संजय गहलोत, राजकुमार धिगान, पूर्व कांग्रेस विधायक वीर सिंह बिदान के साथ अनेकों यूनियन के नेता शामिल हुए। स्वामी दयानंद अस्पताल की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट रजनी खेड़वाल का इस सब को लेकर कहना है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से इन कर्मचारियों को नहीं हटाया गया। अस्पताल प्रशासन तो चाहता है कि इन सबको नौकरी पर लौटा दिया जाए, लेकिन महापौर एवं कमिश्नर के आदेश द्वारा उनको हटाया गया है। हम लिखित में मीटिंग बनाकर देने को तैयार है। वहीं ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष राजकुमार धिगान का कहना है कि 170 कर्मचारियों को हटाए जाने को लेकर आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज समस्त लोगों ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट का घेराव कर अपनी मांगे उनके समक्ष रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अस्पताल प्रशासन उनकी हर तरीके से हर संभव मदद करने को तैयार है, लेकिन मेयर और कमिश्नर द्वारा आदेश पर इन सबको हटाया गया है। इस प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मचारियों ने काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जमकर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय चेयरमैन राजकुमार धिंगान का कहना था कि स्वामी दयानंद अस्पताल के 170 कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही उनकी मांग है कि इन कर्मचारियों को वापस नौकरियों पर रखा जाए, क्योंकि इन कर्मचारियों ने कोरोना काल में अपनी बेहतरीन सेवा दी थी, जिसके चलते उन्हें नौकरी से हटाने का इनाम दिया गया है। नगर निगम ठेकेदारी के तहत अन्य कर्मचारियों को नौकरी पर रख रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। नौकरी से निकाली गई महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर इतनी कड़ी धूप में अपनी नौकरी के लिए प्रदर्शन करती भी नजर आई। संजय गहलोत जी का, जिनके माध्यम से ये बैठक सुसज्जित हुई और पूरा जो डेलीगेशन जो है मेयर अपने एमएस साहब ने बुलाया, उसमें मैनेजमेंट के सभी लोग वहाँ मौजूद थे और हमने अपनी मांग रखी। जब बैठक होती है तो बैठक का अपना एक डेकोरम होता है, उसमें मिनट्स कॉपी देनी पड़ती है। हमारी जो चर्चा हुई है, जो सहमति हुई है, उसमें जो सहमति हुई है एमएस कर्मचारियों को लेने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी एक बात और मांग है। हम एक मांग और करते हैं, जब ये 15 साल से ये कर्मचारी काम कर रहा है तो इसको प्राइवेट ना लगा कर बल्कि सरकारी तरीके से लगाया जाए, क्योंकि DOPT की गाइडलाइन है 240 हाजिरी पर कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए। और ये मेयर की साजिश है, हमारे जो डैम्स का कर्मचारी है, वो जो अनट्रेंड कर्मचारी है, उस कर्मचारी को हॉस्पिटल में लगाया गया। ये जो ट्रेंड कर्मचारी है, जो 15 वर्ष से यहाँ कार्य कर रहे हैं, इस हॉस्पिटल की सेवा कर रहे हैं, इसको यहाँ से हटा दिया गया। तो सबसे पहले हमारी मांग है, जो डैम्स का कर्मचारी है उसको उसके वार्ड में भेजा जाए, और ये जो हॉस्पिटल का कर्मचारी जो 15 वर्ष से यहाँ काम कर रहा है, इसको यही नियुक्ति की जाए, हमारी ये मांग है। मैंने बता दिया, यहाँ पे जो यहाँ के मेयर हैं और जो कमिश्नर हैं, उनकी चालबाजी है सारी की सारी। वो कहते हैं कि हमें 170 लोगों को वैसे पैसे देना पड़ रहा है तो वो कम हो जाएगा, हमारा बजट बढ़ जाएगा। यानी खाली अपना बजट बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए जो हमारे कर्मियों के पेट पे लात मार दी, ये कहाँ का न्याय है? ऐसा नहीं होने दिया। इसमें एक बात और कहना चाहते हैं, बेशक मैं सफाई कर्मी आयोग का चेयरमैन हूँ, संवैधानिक पद पे हूँ, लेकिन अपने कर्मचारियों को सड़क पर उतरना पड़ेगा तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। जो 170 कर्मचारियों को निलंबित करने की मांग को लेकर जो यहाँ लोग आए थे, क्या कुछ आश्वासन दिया है, क्या कुछ कहेंगे, क्या बोलेंगे? देखिए, ये जो भी हुआ है इनके साथ अन्याय हुआ है, मैं मानती हूँ कि एकदम बिना प्रायर नोटिस के उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और हमने तो लिख के दे दिया है हायर अथॉरिटीज़ के कि हॉस्पिटल के लिए ट्रेंड सफाई वर्कर चाहिए, देवर प्रॉपर्ली ट्रेंड।
मैम, इन्हें भी कुछ जो अभी आए थे कर्मचारी, उनके नेतागणों को कुछ आपने लिखित में आश्वासन दिया है? मैं उसकी फाइल तैयार हो रही है, नोट तैयार हो रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।